में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। तुम लोगों के घर में आत्मा है। हकीकत तो यही है कि उसने इस लड़की की चीख। क्या कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 से मचाया तहलका? क्या बॉक्स ऑफिस पर किए 500 करोड़ पार? भूल भुलैया 2 ने एक हफ्ते में कमाए कितने करोड़? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, कार्तिक स्टारर भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। फिल्म ने एक हफ्ते में पूरे 90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही कार्तिक ने एक बड़ा माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है और वो बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब हो चुके हैं। आपको बता दें, 11 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है, 10 फिल्में उन्होंने की है और कुल मिलाकर इन फिल्मों ने 500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। खास बात यह है कि उनका सक्सेस रेट भी 50% है। अनीस बज़मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 2 20 मई को रिलीज हुई। फिल्म में कार्तिक के अलावा कियारा और तब्बू थे। फिल्म पहले दिन करीब 14 करोड़ रुपए कमाकर कार्तिक के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई और अब जल्द ही करियर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनने जा रही है लव आजकल। कोरोना के दौर में उनकी फिल्म रिलीज हुई 14 फरवरी 2020 को, जिसने कि 34 करोड़ कमाए और फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके अलावा उनकी फिल्म पति पत्नी और वो ने 86 करोड़ की कमाई की और बहुत अच्छा इसका कलेक्शन रहा। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई फिल्म की कहानी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ड थी फिल्म और दर्शकों के बीच एक मैसेज देती थी कि पति और पत्नी के बीच वो जब आ जाता है तो सब कुछ खराब हो जाता है। इसके अलावा गेस्ट इन लंदन, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी, इसने महज 10 करोड़ की कमाई की और फ्लॉप साबित हुई। इसके अलावा प्यार का पंचनामा 2, जो कि 64 करोड़ की कमाई करके सुपरहिट बन गई, इसे 2015 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नुसरत भरूचा, सनी सिंह, सोनाली सहगल जैसे कलाकार नजर आए। अब कार्तिक आर्यन आने वाले दिनों की सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। आपको कितना इंतजार है कार्तिक की फिल्मों का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।